हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल काजल गोजरी व्लॉग में, एक और न्यू व्लॉग में। तो सुबह के बजने वाले हैं 11 और नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में अपनी पूजा करके, और चून मारने की तैयारी चल रही है क्योंकि बच्चे आजकल 9 बजे सो के उठ रहे हैं और उसके बाद उन्हें सीधा अपना खाना खाने को चाहिए। तो इसलिए मैं कर रही हूँ तैयारी क्योंकि सुमित जी भी आ जाएंगे 12 बजे तक। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने डब्बे वब्बे ना धो के रख दिए क्योंकि मैं कल मार्केट गई तो वहाँ से घर का सामान लेके आई, तो जो मैं खट्टा ही ले आऊँ हमेशा से ही, तो मैंने अपने डब्बे धो के रख दिए हैं। और अभी ना मुझे गाइस ये लग रहा है कि मुझे ना अभी 2 डब्बे कम से कम और चाहिए स्टोरेज को, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जा। और वैसे तो ये काफ़ी बड़े डब्बे हैं, मगर क्योंकि ना एक डब्बा मेरा जो है बिस्कुट नमकीन वगैरह को ही हो जा, बच्चे इनकी चाय का जो सामान रहे हैं उनको ही हो जा, और एक मेरा चीनी का डब्बा हो जा। और आपने देख लिया, मैंने मीशो से भी स्टोरेज स्टैंड मंगवाए, वो काफ़ी यूज़फुल रहे मेरे लिए क्योंकि काफ़ी डब्बे मेरे स्टोरेज हो गए उसमें। और मैंने बोटल्स भी मंगवाई ऑयल के लिए, वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं, तो आप सब भी ऑर्डर कर सको। और गाइस, आज सब्जी नहीं बनेगी क्योंकि कल बच्चों ने डिमांड करके मंगवा ली दाल मखनी और शाही पनीर, तो बच्चे उसी से खाने वाले हैं कि अभी वो रात की थोड़ी सी है तो उससे ही खाने वाले हैं। और क्योंकि ना बच्चे ना थोड़ा घर घर का खा खा के ना बोर हो रहे क्योंकि हरी सब्जी खाते रहे, तो एक दिन तो चले है उनका। और यहाँ मैं चून भून रही हूँ, वो आगे आप बताऊँगी किस लिए। और मेरा दूध गर्म हो रहा है क्योंकि दूध भी हमारा इसी टाइम आवे 10:30 बजे, तो ये साथ के साथ गर्म करना पड़ा है क्योंकि आजकल गर्मी इतनी हो रही है, तो दूध 1 सेकेंड में ही थोड़ी देर रखने के बाद ही फट जावे, इसलिए मैंने साथ के साथ दूध भी रख दिया उबलने के लिए। और मेरा चून भी हो चुका है मंडके तैयार, अपना चून मैंने मोंड लिया। बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना इसे लगा के रख दूँगी और थोड़ी देर में रोटी बनाऊँगी, फिर मैं इतने ही थोड़ा ना सेट हो जाएगा, अभी एकदम से ना वैसा रहे अजीब अजीब सा, तो अभी थोड़ी देर के लिए ना इसे लगा के रख दूँगी तो अपना ठीक से हो जाएगा। और कुछ बच्चे ना मुझे ना अभी छुट्टी में इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं बिल्कुल ही, क्योंकि बहन नहीं है। बहन आप सब पता ही है कि मम्मी के घर गई हुई है क्योंकि मम्मी को हुआ था ऑपरेशन, तो वैसे वो आजकल मैं आ जाएगी 1-2 दिन में, और थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगी उसकी तरफ से, क्योंकि ना कम से कम उम्र है ना तो बच्चे सारे ना फिर ऊपर चले जाएं और अपने उससे ही डिमांड करते रहें, क्योंकि मुझे शॉप जाना हो तो अभी शॉप जल्दी से मैं मैनेज ना कर पा रही क्योंकि अकेली हूँ करने वाली, तो मैनेज नहीं हो पा रही बिल्कुल भी शॉप, तो जब वो आ जाएगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और अभी मुझे किचन में काफ़ी कुछ करना है गाइस, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सेट करनी है इसके अंदर, देखते हैं जैसे ही जैसे मतलब लाती रहूँगी मैं आप सबके साथ भी शेयर करती रहूँगी मैनेज को कुछ भी। तो किचन वैसे गाइस ना मुझे आज से नहीं, मुझे पहले से ही बहुत शौक़ है शॉपिंग का, कि किचन वगैरह की शॉपिंग करने को। ये जो आप सामने स्टैंड देख रहे हो, मैंने जो चकला बेलन का स्टैंड है ये मैंने सदर से लिया है जहाँ रही रखी हुई है, और जिसमें पत्थर के डिज़ाइन के से ये रखे हुए हैं, तो वो भी मैंने सदर से ही लिया है। मैंने काफ़ी सामान सदर से लिया है, जब मैं अपनी शॉप के लिए जावे सामान लेना है तो मैं उस टाइम पे ही ले आवई, तो काफ़ी अच्छे स्टोरेज बॉक्स जो हैं ये भी मैंने सदर बाज़ार से ही लिए हैं, तो काफ़ी यूज़फुल हैं ये। और ऐसे ही डब्बे ना मैं 2 और ले कर आऊँगी, और अभी तो मैंने ये ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि मैंने धोए, तो अभी नीचे सेट कर दूँगी थोड़ी देर में इन्हें मैं, और फिर मैं करूँगी अपने। गाइस, मैंने ना 2 पैकेट बूरा के मंगवाए, बता देती हूँ, चून भून रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू। आप सभी पता ही है कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और मम्मी के ना इतनी ज़्यादा वीकनेस आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के लिए ना लड्डू बनाए जाएँ, और जीजू जब भी जाएंगे बहन लेने भाई साहब तो उन्हें ही दे दूँगी मैं लड्डू बना के, तो इस वजह से ही मैंने कि साथ के साथ ना मैं चून भी भून लेती हूँ, मेरे लड्डू भी तैयार हो जाएंगे। और गाइस देख ही सको आप, चीनी में चीटा घुस जाए इतने ज़्यादा हो जाए, आजकल गर्मी में इतने ज़्यादा चीटा आ रहे हैं, मगर फिर भी ना अब क्या कर सकते हैं, गर्मी तो इन्हें भी लगा है हमारी तरह ही। तो फाइनली गाइस ये ना स्टोरेज इतने अच्छे बॉक्स हैं कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं यूज़ में, आप चाहो तो आप भी ला सको, सदर बाज़ार में मिल जाए ये, और वैसे भी हमारे आसपास के किसी भी यूज़ में भी मिल जाए, जहाँ प्लास्टिक का सामान मिला है वहाँ भी मिल जाए।
और गाइस बीच बीच में बच्चे ना मुझे तंग करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और मैं ना चाहती ना हूँ ये रसोई में आ, क्योंकि रसोई में आई तो कुछ ना कुछ ऐब करने लगे हैं, तो इसलिए ना मैं ही ना दूर ही रखूँ रसोई से। और हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं तो इसलिए रोटी को आवाज़ लग गई है, तो अब मैं पहले रोटी बनाऊँगी। और फ्रेंड्स आजकल ना मैं अपने नूनी घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने नूनी घी करवाया, क्योंकि पहले तो मैं मलाई निकाल के सीधा वैसा घी निकाल ली वही देसी घी, और मैं नूनी घी, आजकल बच्चे कह रहे कि मम्मी ना नूनी घी करो, तो इसलिए ना मैंने नूनी घी निकाला बहुत सारा, अब तो ये थोड़ा ख़त्म होगा और अब फिर निकालूँगी एक दो दिन में जब मलाई मेरी छूट जाएगी। तो वैसे मैं कोशिश करूँ कि बाहर से घी कम ही आ, क्योंकि मैं बाहर से घी कम ही लूँ, घर में ही घी कर लूँ, तो उसके फ़ायदे भी रहे अपना, यूँ है कि हम दूध का दूध हो जा, घी को घी हो जा, तो इसलिए जो दूध आ मेरा ना मैं उसकी मलाई रख लूँ। और इतना अच्छा घी निकला है, बहुत ही अच्छा घी निकला है, और बच्चे ना रोटी पर रख रख के खा नूनी घी है। तो गाइस तो एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन क्लिक कर लेना जो आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी मिलती रहे। अगर आप उसे ऑल पे करते हो तो मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे, तो इसलिए ऑल पे कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे आप सभी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करे करो और कमेंट करके बताए करो। और फाइनली अब मैं बस रोटी बन गई है, बनने वाली है मेरी, और वे भी आ गए आजकल बच्चे, उनके साथ ही रोटी खा, क्योंकि वे भी उस टाइम ही हमें 12:30-12 बजे, और बच्चे भी अपने 10 बजे उठ रहे हैं, 9-10 बजे उठे हैं, चाय पिए, उसके बाद सीधा उन्हें खाने को चाहिए, तो मैंने उनकी तैयारी कर दी है खाने की। और उनका यू ये डिमांड कि मम्मी नूनी घी लगा के, नूनी घी रख के देना, तो इसलिए वही कर रही हूँ मैं। गाइस तो फाइनली मेरा चून भी भुनने वाला है, और इसके साथ साथ मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ प्याज के पराठे, क्योंकि गाइस मुझे दाल इतनी ख़ास पसंद ना आती, वो तो थोड़ी अपने दाल मखनी, इसलिए मैं थोड़ी बहुत खा भी ली, वरना मैं दाल बिल्कुल ना खा पाती, क्योंकि गाइस मुझे ना तेजाब बन जा, और किस किस दाल से तेजाब बनाए ना गाइस कमेंट करके बता दो, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मगर पराठे वगैरह से मुझे इतनी ना होती जितनी मुझे दाल से तेजाब बन जा। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ प्याज के पराठे, और अपने नूनी घी धर के खाने वाली हूँ मैं, और फिर अपना चून भुन जाएगा ना, उसके बाद अपना रेडी करेंगे, लड्डू बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो बस अपना प्याज का पराठा ना मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, किस किस से पसंद है ना गाइस कमेंट करो जल्दी से, किस किस से प्याज के पराठे पसंद है, तो मुझे तो अच्छे लगे, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में भी प्याज के पराठे लेके जा गई, मगर उस टाइम बड़ी वाली बहन बना के दे गई, तो मुझे उसके हाथ के तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है प्याज के पराठे, और मेरे बच्चे ने भी ना उसी के हाथ के पसंद है, तो इसलिए उसको वेट कर रहे हैं कि कब वो आएगी और हमें खिलाएगी। तो वैसे तो वो आने वाली है, शायद वो संडे को आ जाएगी, और क्योंकि मम्मी है हो गए 25 दिन हो गए शायद ऑपरेशन है मम्मी के, या महीना होने वाला है, मैंने काउंट ना करे दिन, तो दीदी आने वाली है, वो आ जाएगी एक दो दिन में, या तो कल या परसों आ जाएगी वो, और उसके बाद मेरे व्लॉग्स में वो भी मिलेगी आप पे साथ में। और बस अपने ना गाइस बच्चे ने भी रोटी खा ली है, और बना के अब एक दो रोटी, फिर मैं भी अपना खाना खाऊंगी, और उसके बाद हम करेंगे लड्डू बनाने की तैयारी शुरू, और फिर देखते हैं गाइस, मैंने पहले कभी लड्डू ना बनाए, कैसे बनेंगे मेरे हाथ के लड्डू, देखते रहना आप भी कि कैसे बनाऊंगी मैं लड्डू। फ्रेंड्स तो आ जाओ खाना खा लो, तो किस किस का मन है प्याज के पराठे और नूनी घी खाने को, तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। ये हैं मेरी फ्रेंड्स शीतल राशि लवली, तो इस कप पे हमारी फ़ोटोज़ लगी हुई है जो हमें लवली ने गिफ्ट करा है, यू कप, तो अधिकतर मैं इसी में चाय पी हूँ अपने, चाय दूध जो भी है। गाइस तो यहाँ पे सुमित जी और बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, तो इनको ये डेली का काम है, क्योंकि बाहर धूप रहे तो इन्होंने घर ही पूरा जंग का मैदान बना रखा है पूरा, और यहाँ मैं कर रही ही प्रेस, और मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी लेट रही हैं,
क्योंकि मम्मी के ना डाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरे मुंह पे स्वेलिंग हुई पड़ी है और बहुत ज़्यादा हो रही है। दवाई लेके मम्मी लेट रही हैं और मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं जो कि अब तो ना होंगे अपने, कल कोई करूँगी उन्हें जो रह गए। और मैं अपना खाना खा के आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि किचन साफ़ करना है, इस वजह से मैं जल्दी से खाना खा के आ गई हूँ। और जो थोड़ा सा चून बचा हुआ है, आटा बचा हुआ है, मैं उसे ना फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ख़राब हो जा, गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो तो मैं पूरे दिन गेट ना खोलती क्योंकि बच्चे बाहर भगे हैं, फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे इस वजह से। तो क्योंकि ना जो एसी है ना वो पूरा कवर कर ले घर है, तो इस वजह से मैं गेट बंद ही रखूँ ज़्यादातर। और अपना यूँ है जल्दी से किचन साफ़ कर दूँगी तो मुझे शॉप पे जाने के टाइम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही और खाने में ही और बच्चों से बात बात करने में ही गाइज मुझे 3-4 बज जाएंगे, ऐसे ही पता भी ना चलेगी 3-4 कब बज गए। तो इसलिए मैं जल्दी से किचन साफ़ कर रही हूँ जो मुझे थोड़ा ना रेस्ट करने को टाइम मिल जा। तो मुझे यूँ भी है कि मैं थोड़ा ना लड्डू की तैयारी कर दूँगी और फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँगी और एक दो रील्स बना लूँगी थोड़ा मेकअप करके, तो इस वजह से मैं लग रही हूँ। और बर्तनों को तो गाइस पूछो ही मत, ना पूरे दिन में जन कितनी बेर बर्तन हो जब से बच्चे इनकी छुट्टी पड़ी है, क्योंकि ना बच्चे इनको कुछ ना चलता रहे। और इनको किचन में आना ना मेरे लिए आफत वाली बात है, क्योंकि किचन में आते ही ना ये खड़े रहें कि कुछ ना कुछ हमें दिखे और हम ऐब करें, इसलिए ना मैं हमेशा देखती रहूँ इन्हें कि ये किचन में कुछ करता नहीं। क्योंकि बच्चे हैं, इन्हें पता तो होता ना, कभी चक्कू छेड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, और इतने वो होते ना समझदार बच्चे, क्योंकि ना हंसी हंसी में कुछ भी कर जाऊँ। तो इस वजह से ना मैं बच्चे इन्हें देखती रहूँ और कुछ ज़्यादा फिर केयर भी करूँ, क्योंकि बहन भी ना हो अभी, और इसलिए मैं थोड़ी ना, वैसे तो मैं इन्हें डांट दूँ, अभी बहन ना हो तो ज़्यादा मैं डांटती भी ना हूँ। अब देख रहे हो ना आप, अब देखो आप खुद देख सकते हो, अब देखो ये क्या करेगी, चक्कू लेके खड़ी होगी है नारियल काटने को, जो मैंने लड्डू में को गोला मंगाए हैं उसे काटने को, ये देख लो आप। तो इसी वजह से ना मैं बच्चे इन्हें ना थोड़ा किचन से दूर रखूँ, इसलिए कि कुछ ना कुछ देखो ऐप ढूँढते रहें बच्चे। तो क्योंकि ना गलती से थोड़ा सा भी होगा ना कोई दिक्कत, तो फिर बच्चे इन्हें दिक्कत हो जावे। अब छुट्टी पड़ रही है तो ये घर में ही रहें, तो इस वजह से ना सर पे ही खड़े रहें बिल्कुल, और नायरा तो बिल्कुल मेरे सर पे ही खड़ी रहे। और मैं इसमें ना अपना भुना हुआ जो चून है ना, मैं चून भुना है तो उसे इसमें कर लूँगी, और फिर ना मैं गोला करके ना ग्राइंडर से करूँगी, गोला है बादाम वगैरह जो है काजू वगैरह उसे ग्राइंड करूँगी मैं। और गोला ना इस टाइम जो है ना बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं सूखे सूखे से, और जो मेरे मतलब रखे हुए वो भी ऐसे हो रहे हैं, और मैंने जो शॉप से मंगवाए हैं अब तो वो भी ऐसे ही हैं। तो मैं चक्कू से काटने की कोशिश कर रही हूँ मगर वे कट ही ना रहे चक्कू से बिल्कुल भी, मैंने ना कई बार कोशिश करी कि चक्कू से कट जाएं मगर हो ही ना रहे बिल्कुल भी। और मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा ऐसा लगे कि शायद साथ में कोई बनवा दे तो ना, तो मुझे इतना हुनर है तो, क्योंकि बनवाने को तो मम्मी कर देती, मम्मी की तरफ। गाइस मैंने ये अपना महान काम दिया अपने हस्बैंड है कि आप गोला नैनो सारे ने तोड़ दो, और कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे तोड़ दिए हैं, तो क्योंकि ना चक्कू से बिल्कुल भी हो ही ना रहे। मैं इनसे बोल रही कि तुमने कैसे गोला ला के दिए, सॉफ्ट से लाते जो मतलब मैं कर भी लेती, और मेरे ध्यान से निकल गया कि मैं इन्हें कस लूँ, तो मैंने कसे ना सारे तोड़वा दिए, और इतने छोटे हो जाएं फिर कसे ना जाते, बड़े बड़े तो कस भी जाएं। अब देखो गाइस आप देख ही रहे हो ना बच्चे कैसे ऐब कर रहे हैं, तो इसी वजह से ना मैं इनसे थोड़ी यूँ रहे कि बच्चे इनसे दूर रखूँ सब चीज़ें ने। और फाइनली उन्होंने गोला तोड़ दिए हैं, और अब मैं इन्हें करने वाली हूँ ग्राइंड। अब बूरा के आए हैं दो पैकेट करेंगे, देखो कितने लगेंगे, मगर मैंने दो पैकेट मंगा लिए हैं। और युवा कि मैंने की उसमें ना मशीन में जल्दी से हो जा ग्राइंड। तो गाइस अभी ना मुझे बादाम भी कसने जो इसमें ग्राइंड करने हैं, कसने कह रही हूँ, ऐसे तो कसे ना जाएंगे बादाम, तो ग्राइंड ही करूँगी उन्हें भी काजू बादाम ने। तो फाइनली हो चुका है हमारी गैल सीन, तो जो हम गोला कसने इसमें करने वाले ग्राइंड, तो उससे क्या हुआ, उसकी बेचारे का फूल ही टूट गया। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे क्या पता ये ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे यूर शॉप जाने से पहले मैं लड्डू वड्डू बना कर चली जाऊंगी, क्योंकि भाई सब शायद कल भी जा सके हैं बहनें लेने, तो वे लड्डू ले जाते, क्योंकि ये लड्डू गाइस मैं बता दूँ आप है कि मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मम्मी के ना ऑपरेशन के बाद आ रही है वीकनेस बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के लिए लड्डू बना देती हूँ।
और अगर भाई साहब जाएंगे लेने बहन तो साथ में ले जाएंगे, मगर मुझे क्या पता ये ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर मैं देखती हूँ कल सुबह बना दूँगी जल्दी। फ्रेंड्स तो अब मैं फ्री सी होगी क्योंकि अभी कुछ करना ना आया, तो मैंने अपना नारियल पानी निकाला फ्रिज से और अपना पीने बैठ गई एसी चला के, तो और बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि ना पूरा दिन जब काम कर लिए ना और थोड़ा सा जो मेरा फ्री टाइम है वो मुझे मिल चुका हो, तो मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रही। और नारियल पानी गाइस मैं हमेशा पीती ही रहूं लगातार, कभी कभी हो जब मैं ना पीती क्योंकि मुझे ना थोड़ी पीपी की प्रॉब्लम है, मुझे लो बहुत ज़्यादा हुआ है और जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो उस टाइम के बाद से तो मैं पीती रहूं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स होती रहे कुछ ना कुछ और बीमार ज़्यादा हूं। परी के लग चुके हैं चश्मे हमारी के। कॉफ़ी गाइस तो ऐसी चल रही है इनकी छुट्टी, कभी नारियल कॉफ़ी और इसने इतना देखते देखते भी ना यार ने अगली ना हाथ की उंगली काट ही ली अपनी आखिरकार। चलो कोई नहीं गाइस, तो बस अब मैं तोरी की सब्जी बनाऊंगी। जैसे कि आपने देख लिया मुझे बनाने हैं लड्डू, बट उसका फूल टूट गया जो मिक्सर रही हूँ ग्राइंडर का, तो इसे मैं लेके जाऊँगी अपने साथ शॉप पे, वहीं से करा के लाऊँगी, फिर रात को बनाऊँगी मैं अपने लड्डू। और मेरा टाइम होने वाला है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है अभी, पहले इसकी कर दूँ बैंडेड वगैरह लगा दूँ और कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि नारियल पानी पीने बैठी वो भी इन्होंने ले लिया, पी ना दिया। वंशी वंशी बिखर जाएगा बेटा, बिखर जाएगा, क्या हुआ? मोहाई रख दे, हम पी लेंगे मोहाई। वंशी गर्म हो जाएगी जल्दी, पी ले उसे। चलो भाई तो मिलेंगे थोड़ी देर में, इनको खाने की तैयारी कर जाऊँ शाम की, फिर चलेंगे शॉप पे। मिलेंगे थोड़ी देर में भाई। तो मैंने सब्जी छौंक दी अपनी तोरी की, अभी बन जाएगी दो सीटी बस। नायरा क्या कर रही है तुम? नायरा इन छोक लान ले जियो बेटा, गाय की बाल्टी में घेर रही हो। देख डैडी की अब खौसी उठ गई। नायरा मुझे भी देना बेटा पानी। गाइस तो अब मैं बस दो तीन रील बनाऊंगी अपने इंस्टाग्राम की और फिर जाऊंगी मैं अपनी दुकान 4:30 बजे। गाइस तो आजकल ना मैं 5 बजे तक ही जाऊँ, 5:15, क्योंकि ना बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से लेट जाऊँ मैं। इसको मैंने कर दी पूरी सफाई, झाड़ू भी मैंने लगा दी सौंझ की अपनी, झाड़ू भी मेरी हो चुकी है। नायरा हाथ धो के लड्डू गोपाल पौनी प्याद बेटा। ठंडा पानी दर्द फ्रिज में भी अभी डैडी कह रहे मॉडर्न पानी कर देगा डैडी के पहले। गाइस बच्चे ना कितना भी कर लो सामान फैला दिया पूरे टेबल पर, और मैं आए के करूँगी परेश रह रही है अभी मेरी, परेश आ करूँगी, अध भर में पड़ी है परेश कर रही मैं आगे करूँगी क्योंकि ये दुकान में सामान फैला पड़वा। चलो गाइस मिलती हूँ शॉप पर ही अब आप है, अब मैं थोड़ी सी रील बनाऊँगी, एक दो अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर, पंखा चलाया पहले आते नहीं, उमस हो रही है बिल्कुल, उमस से निकल जाएगी थोड़ी, और देखो कैसे बटले हो रहे हैं, ये चूड़ी की सेटिंग मेरी चल ही रही है अभी तक। अरे भगवान यहाँ को ना मुझे एक छोटा ट्राईपोर्ट लेना ही पड़ेगा गाइस, ये वाले इयररिंग्स ना अच्छे लग रहे हैं। पानी भी गर्म हो रहा है, हम तो प्यास लग रहा है, कभी बहक रहा है तो पानी। चलो भाई फ्रेंड्स लगते अपने काम पे, करते अपना काम। गाइस तो मैं अब अपना काम कर लूँ और मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना, जो आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबसे सबसे पहले मिला है, तो क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और तो उस टाइम पर मैं व्लॉगिंग कर ना पाती। कभी जब आप कमेंट करोगे ना भर भर के बहुत सारे, उस टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा होम टूर अपनी दुकान को। तो अभी तो पहले मैं अपना काम कर लूँ,
और हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैं दिखाती हूँ बाहर ना, देखा हल रहे हैं ना कपड़े से साइड वाले इनके जो टक रहे हैं कुर्ती वगैरह, इतनी ज़ोर ज़ोर से हल रही हैं वे। और अब बस मैं थोड़ी सफाई कर लूँ, अपना मंदिर वंदिर साफ़ कर लूँ, मंदिर हो रहा धूल मट्टी में। आप सोचोगे वैसी कितनी है रोज करे, ये ना इतनी ही हो जा मुख रोज की हो जा। और ये सारे दुपट्टा मुझे अभी पन्नी में पैक करने हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स जाने से पहले, क्योंकि ये जो वैसे हैं डेली यूज़ वाले दुपट्टे हैं वे शॉप पे ही रहेंगे, और जो ओने वगैरह हैं जो भी हैं आज मैं पैक कर दूँगी, ये सब जा रहे हैं घर, और ये अब घर से ही मिलेंगे आप हैं। तो अब मैं इन्हें ले जाऊँगी घर, तो ऑनलाइन के लिए ही रहेंगे ये जो। और मैं दिखा रही थी और कौन से अभी ना यहाँ बहुत सारे रखे हैं उस साइड में, तो वो मैं घर ले जाऊँगी आज सारे दुपट्टे अपने जो ओने वगैरह हैं दुपट्टे वगैरह हैं उन्हें घर ले जाऊँगी। और आप है कुछ न्यू भी दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ न्यू दिखाऊंगी आप है ब्लॉग में, तो जल्दी शेयर कर दूँगी मैं आप सबके साथ, मतलब एक दो दिन में शेयर कर दूँगी आप सबके साथ कि क्या चीज़ न्यू है। तो इतने वेट करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बाबा की।